जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी या सत भिक्षा की यह कहानी। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें भगवान अनंत की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि इसको धारण करने से संकटों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति की जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को पड़ रही है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। माना जाता है कि इसको धारण करने से संकटों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन का उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं। भगवान गणेश का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर शुरू होगी और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। 28 सितंबर 2023 को गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त 3 है। इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक रहेगा। उसके बाद सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक और शाम 4:41 से रात 9:10 तक गणपति विसर्जन का मुहूर्त है। अनंत चतुर्दशी पूजन विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन और अन्य चीजें अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। अंत में भगवान विष्णु को अनंत सूत्र अर्पित करें। अनंत चतुर्दशी भगवान नारायण के पूजन का पर्व है। इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूभुवस्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इस दिन ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं उन लोगों को ये व्रत रखना चाहिए। परिवार में कोई भी इस व्रत को रख सकता है, चाहे पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पिता के लिए पुत्र यह व्रत कर सकता है। लोन की समस्या अगर आ रही है तो वह लोग भी अनंत चतुर्दशी का उपवास रख सकते हैं। कुछ समय में ही आप लोन मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी के घर में क्लेश चल रहा है तो उन लोगों को अनंत चतुर्दशी के उपवास के बाद जायफल अपने हाथ से भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद उसे जल में प्रवाहित कर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से घर का क्लेश समाप्त हो जाएगा। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा।
महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकालने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पतिनी समेत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु शीशनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में दो पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसलिए ये अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।